नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद अफजल और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी 24। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों पर। लक्सर में सरकार के आदेश पर शासन प्रशासन ने लगभग एक महीने से रह रहे रिलीफ कैंपों में प्रवासी मजदूरों को आज उनके घर उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है। स्थानीय निवासियों ने घर जा रहे प्रवासी मजदूरों का फूल माला डालकर स्वागत किया। प्रवासी मजदूरों को गुड़ चना और पानी की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा कराई गई। लक्सर SDM पूरण सिंह राणा ने बताया कि लॉकडाउन के चलते जो प्रवासी मजदूर अलग अलग राज्यों में फंस गए थे और पैदल ही अपने घरों को वापसी जा रहे थे, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उनको लक्सर में रिलीफ कैंपों में रखा गया था और उनके खाने पीने व रहने की पूर्ण व्यवस्था शासन प्रशासन और कुछ समाज सेवियों द्वारा की जा रही थी। समय समय पर उनका स्वास्थ्य चेकअप भी कराया जा रहा था और आज सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश के 185 लोगों को उत्तराखंड परिवहन द्वारा उनके राज्यों में भेजा जा रहा है। के द्वारा जब फर्स्ट स्टेप के जो लॉकडाउन की घोषणा की गई थी तो जो पंजाब से और हरियाणा से जो माइग्रेंट लेबर आ रहा था तो उनको यहाँ पर रोका गया था और उनके लिए यहाँ पर राहत कैंप स्टेब्लिश किए गए थे, जिसमें कि यूपी के लोग हैं, राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं, MP से हैं, पंजाब से हैं। तो उस कड़ी में जो शासन के जो डायरेक्शन है तो फर्स्ट स्टेप में यूपी के लोगों को आज भेजने की व्यवस्था की गई है। टोटल 185 लोग हैं जो जिनको आज यूपी भेजा जा रहा है और इसके बाद जिस तरह से पंजाब के लोग हैं और कुछ हरियाणा के हैं तो उसके लिए भी गवर्नमेंट से जैसे डायरेक्शन आते हैं उसके क्रम में उनको भी भेजा जाएगा। और जो इनको उनके होम टाउन भेजने के लिए जो डायरेक्शन है गवर्नमेंट के, जो भी SOP वगैरह बनी है, तो उसमें इनको प्रॉपर फूड वगैरह प्रोवाइड करवाया जा रहा है और इनके लिए मास्क वगैरह, सैनिटाइज वगैरह उपलब्ध कराया जा रहा है और बाकी इनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था की गई है ताकि ये लोग आसानी से और स्मूथली अपने घर पहुँच सकें।